हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और उन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो इसकी हम स्टडी करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं कि इफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया है वाई प्लस जेड, अगर एक्स की वैल्यू वाई प्लस जेड के बराबर है, देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज टेन एक्स माइनस टेन वाई माइनस टेन जेड इक्वल्स टू, यहां पे होता है टेन एक्स टेन वाई एंड टेन जेड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, या हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उस केस में 10x माइनस 10y माइनस 10z इक्वल टू 10x 10y 10z के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको एक बार हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। यहां पे इसका जो प्रूफ है वो किस तरीके से दे सकते हैं हम, यहां पे इफ x इक्वल टू आपको दिया है यहां पे y प्लस z, अब दोनों तरफ में इस फंक्शन में 10 लेता हूं, तो 10 ऑफ x इक्वल टू 10 y प्लस जेड। नाउ अब यहां पे 10x इक्वल्स टू हमें मिला है 10y प्लस 10z अपॉन 1 माइनस 10y 10z के इक्वल मिला है। आप देख सकते हैं कि 10y प्लस z का फॉर्मूला जो होगा, या 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो इस फॉर्मूले को हमने डायरेक्टली यूज करके इसको एक्सपेंड करके ये लिखा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास में जो ये एक्सप्रेशन है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 10x से मल्टीप्लाई करने पर, वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन 10x माइनस 10x 10y 10z इक्वल्स टू 10y प्लस 10z। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं और इस नेगेटिव वाले एक्सप्रेशन को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं, तो हमें मिलता है 10x माइनस 10y माइनस 10z इक्वल्स टू 10x 10y 10z। इस रिजल्ट को आप एज ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। और हम किस टाइप के क्वेश्चंस में इस रिजल्ट को यूज कर पाएंगे कि क्वेश्चन हमें पुटअप किया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10 ऑफ 5x माइनस 10 ऑफ 3x माइनस 10 ऑफ 2x, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि 5x का सम जो है 3x और 2x के बराबर है, तो जब 5x का सम 3x और 2x के बराबर है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको डायरेक्टली, चार ऑप्शन हमें दिए होंगे, तो इसको डायरेक्टली हम किसके बराबर लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 10 5x 10 3x 10 2x। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन हम यहां पे फ्रेम कर सकते हैं कि जैसे आप 7x को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो बच्चों, 7x को आप लिख सकते हो आइदर 6x प्लस x, और 7x को आप लिख सकते हो 7x कैन बी रिटन एज 5x प्लस 2x, और 7x कैन बी रिटन एज 7x को आप लिख सकते हो 4x प्लस 3x। तो बहुत सारी 7x से हम बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को उठाता हूं, तो यहां पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें कि 10 7x माइनस 10 6x माइनस 10x इक्वल्स टू, आप देखिए दिस इज इक्वल्स टू 10 7x 10 6x इंटू 10x के इक्वल है। अगर हम सेकंड वाले एक्सप्रेशन को यहां पे कंसिडर करते हैं, तो यहां पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें बच्चों, यहां पे 10 ऑफ 7x माइनस 10 ऑफ 5x माइनस 10 ऑफ 2x इक्वल्स टू 10 7x 10 5x 10 10 2x, दिस इज 10 2x। इसको इस तरीके से
सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो tan 7x minus tan 4x minus tan 3x equals to tan 7x into tan 4x into tan 3x का product आप इसको इस form में लिख सकते हो। कोई और expression ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने tan x लिया है, तो tan x को भी मैं बहुत सारी forms में convert कर सकता हूँ। tan x को आप 9x plus x लिख सकते हो, tan x को हम 8x plus 2x लिख सकते हैं, tan x को 7x plus 3x लिख सकते हो, या 6x plus 4x लिख सकते हो, या 5x plus 5x लिख सकते हो। तो जब आप इसको consider कर लेते हो, तो यहाँ पे tan of tan x minus tan 8x minus tan 2x equals to, यहाँ पे क्या result मिलेगा, tan x into tan 8x into tan 2x के equal हमें मिल जाएगा। तो इसको, इस property को आप as a result use कर सकते हो, और बहुत सारे questions में हम इसको directly यूज ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि इफ x plus y, सॉरी इफ x equals to y plus z, then we get the expression tan x minus tan y minus tan z equals to tan x into tan y into tan z, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली एज अ रिजल्ट। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है यहां पे, सेकंड प्रॉपर्टी है हम कि इफ टू एंगल्स दिए मैंने ए बी, अगर दोनों एंगल्स का सम आइदर ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 और ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4, और वी कैन से दैट जनरल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाय 4 where n belongs to integer, तो इस टाइप में कोई भी फॉर्म अगर मुझे दिए क्वेश्चन में, तो then product of 1 plus 10 a into 1 plus 10 b equals to 2, इनका product 2 के equal होता है, अगर a b angles का sum जो है या तो pi by 4 है, या 5 pi by 4 है, या 9 pi by 4 है, या 13 pi by 4 है, in general form अगर a plus b का जो सम है n pi plus pi by 4 है, तो 1 plus 10 a into 1 plus 10 b के प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 2 लिख सकते हो। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पे, इसका प्रूफ क्या होगा यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम इसी वाले पार्ट से प्रूफ कर लेते हैं कि इफ a plus b equals to, हमें दिया है a plus b equals to pi by 4। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या लेना बच्चों, यहाँ दोनों तरफ आपने, दोनों तरफ मैंने यहाँ पे 10 लेना है, then we are getting 10 a plus b equals to 10 pi by 4. We can see that value of 10 pi by 4 is equals to 1, value of 10 5 pi by 4 is also equals to 1, value of 10 n pi plus pi by 4 is also equals to 1. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस expression को 10 a plus b को मैं अब 1 लिख सकता हूँ, 5 pi by 4 होता तब भी यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब इसके आगे की स्टेप, आइदर यहाँ पे pi by 4 होता है, या 5 pi by 4 होता है, या 9 pi by 4 होता है, इसके आगे की स्टेप सभी में क्या होगी, सिमिलर होगी। तो यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी यूज करते हो 10 a plus b की, तो वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b equals to 1. Now इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दिस साइड, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन को इधर मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला है, देखिए आप यहां पे कि tan a plus tan b equals to 1 minus tan a into tan b का प्रोडक्ट। अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरफ शिफ्ट करता हूं, तो शिफ्टिंग के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है 10 a plus 10 b plus 10 a into 10 b equals to क्या मिल गया हमें यहाँ पे, 1 मिल गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें राइट हैंड साइड में, इस साइड में यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं बोथ साइड क्या ऐड करता हूँ, यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, 8 1 8 1 बोथ साइड्स,
पहले चीज सारे चीज में जब 18 करता हूँ तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन मिलता है tan a plus tan b plus tan a into tan b plus 1 equals to, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों में से मैं tan a कॉमन लेता हूँ। तो जब आप इन दोनों में से tan a कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, tan a ब्रैकेट में आपको मिलता है 1 plus tan b, और यहाँ पे tan b plus 1 सेपरेट यहाँ पे अकेला है, तो tan b plus 1 equals to 2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इसमें से और इस एक्सप्रेशन में से 1 plus tan b कॉमन लेना है, तो 1 plus tan b जब हम कॉमन लेते हैं तो 1 plus tan b into 1 plus tan a equals to आपको क्या मिल जाता है 2। हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था कि अगर a plus b की a plus b का सम पाई बाई 4 के इक्वल है तो 1 plus tan a into 1 plus tan b का प्रोडक्ट 2 के इक्वल है। तो हम इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल, आप क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे और किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे पुट अप होते हैं। तो फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन है कि जैसे 1 plus tan 15 डिग्री, सॉरी 1 plus tan 5 डिग्री into 1 plus tan 40 डिग्री, तो हम देख सकते हैं कि यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करनी है हमें। तो आप चेक कीजिए कि यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम पाई बाई 4 तो नहीं, इन दोनों एंगल्स का सम पाई बाई 4 है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 लिख सकते हो। सेकंडली देखिए यहाँ पे 1 plus tan 22 डिग्री into 1 plus tan 23 डिग्री, देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है पाई बाई 4 है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो एज ए रिजल्ट, 2। वन मोर क्वेश्चन, 1 plus tan 12 degree into 1 plus tan, sorry, 1 plus tan 12 degree into 1 plus tan 33 degree, आप चेक कीजिए कि इन दोनों का सम 45 degree है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 45 degree तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्टली 2 लिख सकते हो। वन मोर एक्सप्रेशन, 1 plus tan 100 degree into 1 plus tan 125 degree, आप देखिए कि 100 डिग्री और 125 डिग्री का जो सम है वो 225 के इक्वल है, और 225 क्या होता है यहाँ पे 5 पाई बाय 4 होता है, तो 1 plus tan 100 डिग्री into 1 plus tan 125 डिग्री का सम भी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती है, उनमें से एक और प्रॉब्लम हम लिखते हैं यहाँ पे, इस टाइप की प्रॉब्लम भी यहाँ पे फ्रेम की जा सकती है कि यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में दे दिए, बहुत सारे फैक्टर्स दे दिए मैंने, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 2 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 3 डिग्री एंड 1 plus tan 44 degree into 1 plus tan 43 degree into 1 plus tan 42 degree, इन सबके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे दो दो के पेयर सेलेक्ट करेंगे, पेयरिंग में इन दोनों की पेयरिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि 44 और 1 का सम जो होता है 45 डिग्री होता है, तो 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 44 degree तो आपको 2 दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 plus tan 2 degree into 1 plus tan 43 degree भी यहाँ पे हमें 2 दे देगा, और similarly 1 plus tan 3 degree into 1 plus tan 42 degree भी आपको क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे total 6 factors थे, total यहाँ पे 6 factors हैं, और 2 factors multiply होके यहाँ पे 2 देते हैं, तो similarly 6 factors multiply होके यहाँ पे 2 2 के 3 combinations देंगे यहाँ पे, तो हमें 6 फैक्टर्स से यहाँ पे क्या मिला आंसर बच्चों, फाइनल आउटपुट क्या मिला आपको, 2q। सिमिलरली इस तरीके से मैं आपको अगर 8 फैक्टर्स दे देता तो आंसर होता आपके पास में 2 की पावर 4, अगर मैं आपको 10 फैक्टर्स दे देता तो आंसर होता 2 की पावर 5, और अगर मैं आपको 2 की पावर, सॉरी अगर मैं आपको यहाँ पे 2n फैक्टर्स दे देता हूं
तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे? अगर 2n फैक्टर्स हैं यहां पे, इस तरीके के 2n फैक्टर्स हैं, तो जो आंसर हो जाएगा यहां पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2 की पावर n के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं। Now, next type of problems. These are also important results. Sine theta, sine 60 minus theta, sine 60 plus theta is equals to sine 3 theta upon 4. Similarly, one more result, cos theta, cos 60 minus theta, cosine of 60 plus theta is also equals to cos 3 theta upon 4. अच्छा, इस वाली identity में मैं इस वाली identity का divide करता हूँ, तो मुझे 10 की identity मिलती है, 10 theta, 10 60 minus theta और 10 60 plus theta का जो product है, this upon this, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? 10 of 3 theta, हम याद रखेंगे यहाँ पे कि साइन और कोस की जो आइडेंटिटी, उसमें 4 होता है नीचे डिनोमिनेटर में, जबकि 10 में यहां पे 4 नहीं होता है, ये डिफरेंस है इनमें। तो यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करते हैं, फिर इस आइडेंटिटी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे एग्जाम में पुट अप किए जा सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रूफ की स्टडी करते हैं। तो प्रूफ में मैं यहां पे किसी भी एक को प्रूफ कर देता हूं, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम प्रूफ करते हैं। तो sin थीटा ब्रैकेट में हमने लिया है sin 60 minus theta into sin 60 plus theta। अब आइडेंटिटी होती है आपके पास में कि sin a plus b into sin a minus b का प्रोडक्ट होता है sin square a minus sin square b। I'm repeating once again, sin a plus b into sin, sorry, sin a minus b into sin a plus b का प्रोडक्ट, sin a minus b into sin a minus sin a minus b into sin a plus b का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होती है sin square a minus sin square b के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से sin theta तो बाहर है, यहां पे sin 60 minus theta into sin 60 plus theta को आप लिख सकते हो, sin square 60 degree minus sin square theta, and the value of sin 60 degrees, sin 60 degree root 3 by 2 होता है, तो यहां पे root 3 by 2 power square हमें मिल जाएगा 3 by 4 minus sin square theta। Now अब हम LCM लेते हैं तो ये 4 इससे multiply हो जाता है, and LCM लेने के बाद में हमने sin theta का अंदर यहां पे multiply कर देना है। तो after taking LCM and multiplying by sin theta in this expression, we are getting the expression 3 sin theta minus 4 sin cube theta upon 4, and we know that this is identity of sin 3 theta. Sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे? Sin 3 theta upon 4. Sin theta, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta का जो product होता है, वो sin 3 theta upon 4 के equal होता है। cos theta, cos 60 minus theta, cos 60 plus theta का जो product होता है, वो cos 3 theta upon 4 के equal होता है। Similarly, tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta का जो product होता है, वो tan 3 theta के equal होता है। और यहाँ पे, इन पे based किस type के questions यहाँ पे put up किए जा सकते हैं? कि हमें जैसे मान लीजिए find out करना है, find करना है आपने यहाँ पे sin 10 degree, sin 50 degree, sin 70 degree। तो या तो इस expression को find out करने के लिए आपने इसको similar method से solve करना है, या फिर आप इसको as a directly result भी use कर सकते हो। हम पहले check करके देखते हैं, जब भी इस type का expression हमें दिया होगा तो सबसे पहले हमारे mind में यही तीनों expression या यही तीनों identities आनी चाहिए कि इन तीनों में से कोई identity यहाँ पे use तो नहीं होगी। तो हम check करके देखते हैं कि as we know sin theta, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta equals to होता है sin
3 थीटा अपॉन 4 के इक्वल होता है। तो थीटा की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिले, सिंपल है ऑब्वियसली, थीटा की जगह क्या रिप्लेस किया हमने, 10 डिग्री। तो जब थीटा की जगह आप 10 डिग्री रिप्लेस करते हो तो हमें मिलता है sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, और इन तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिल रही है यहां पे sin 30 डिग्री अपॉन 4, एंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इज 1/2, तो वी आर गेटिंग 1/8। अब आप थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हो और डिफरेंट एक्सप्रेशंस की वैल्यूज हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें अगर फाइंड आउट करना है बच्चों, यहां पे अगर मैं थीटा को 20 डिग्री से रिप्लेस करता हूं तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और sin ऑफ 80 डिग्री, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली इस वाली आइडेंटिटी में थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, यहां पे 20 डिग्री रिप्लेस करेंगे। तो आफ्टर रिप्लेसिंग 20 डिग्री इन दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह 20 डिग्री पुट करेंगे तो sin 60 डिग्री अपॉन 4, और sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो √3/8 इसकी वैल्यू हमें यहां पे मिली √3/8। अच्छा, आईआईटी में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। आईआईटी में किस टाइप की क्वेश्चन की फॉर्मेशन हुई थी कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो बीच वाला गैप है इसमें sin 60 डिग्री को इंसर्ट कर दिया और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ऑब्वियसली sin 60 डिग्री को हम एक्सेप्ट कर देंगे और पहले इसकी वैल्यू लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय sin 60 डिग्री। देखते हैं कि आईआईटी में क्या क्वेश्चन पुटअप हुआ था। आईआईटी में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। तो इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री को ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने और sin 60 डिग्री को इस तरीके से सेपरेट कर दिया। और आफ्टर सेपरेशन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू √3/8 एंड वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री इज √3/2। मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग द वैल्यू 3/60। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, आप इसका डायरेक्टली यूज करके sin 3/60। यहाँ पे और भी हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन हमें तुरंत ही आंसर दे देते हैं इस वाले आइडेंटिटी को यूज करके। अगर आप थीटा की जगह यहाँ पे 6 डिग्री पुट करते हो तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो द वैल्यूज ऑफ, वी हैव टू नो द वैल्यूज ऑफ sin 18 डिग्री एज वेल एज cosine 36 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √5 − 1/4 एंड वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री इज इक्वल्स टू √5 + 1/4। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इस आइडेंटिटी में थीटा को 6 डिग्री से रिप्लेस कर देता हूं तो थीटा को 6 डिग्री से रिप्लेस करने पर आपको क्या मिलता है, sin 6 डिग्री, sin 54 डिग्री, sin 66 डिग्री, और तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू जो है sin 18 डिग्री अपॉन 4 के इक्वल होगी। नाउ आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे sin 18 डिग्री को √5 − 1/4 और 4 नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 − 1/16। तो जिस तरीके से थीटा की डिफरेंट वैल्यूज मैंने साइन के केस में पुटअप की है उसी तरीके से थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आप कोसाइन की केस में भी पुटअप कर सकते हो। जैसे कोस थीटा का हम ले लेते हैं कि थीटा को जब आप कोसाइन में 20 डिग्री रिप्लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, कोसाइन ऑफ 20 डिग्री, कोसाइन ऑफ 40 डिग्री एंड कोसाइन ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री अपॉन 4 एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1/2। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1/2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी हम विद इन 30 सेकंड यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये डायरेक्टली एज ए रिजल्ट याद है। Now next type of question is based on componendo and dividendo method. तो आपको given है 10 a
इनटू 10b का जो प्रोडक्ट है वो k के इक्वल गिवन है हमें, और वी हैव टू फाइंड आउट कोसाइन ऑफ a माइनस b अपॉन कोसाइन ऑफ a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो कोसाइन a माइनस बी अपॉन कोसाइन a प्लस बी फाइंड आउट करोगे आप, तो ये आपको प्रूव करना है। मान लीजिए इसको प्रूव करते हैं हम, 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k के इक्वल हमें प्रूव करना है। अगर 10 a 10 b का प्रोडक्ट आपको k दिया है तो कोसाइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कोसाइन ऑफ a प्लस बी हमें 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k के इक्वल प्रूव करना है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की कि गिवन दैट 10 a इनटू 10 b का जो प्रोडक्ट है वो k के इक्वल है। अब 10 a 10 b को मैं लेता हूं यहां पे, साइन a साइन b अपॉन कोसाइन a कोसाइन b इक्वल्स टू k। अब आप यहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड यूज करते हो, तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड में नीचे वाले एक्सप्रेशन में cos a cosine b में हम ऐड करते हैं sin a sin b को, और cosine a cosine b में हम सबट्रैक्ट कर देते हैं यहां पे sin a sin b को। तो जो ऑपरेशन आपने इस साइड में अप्लाई किया है सेम ऑपरेशन आपको इस साइड में अप्लाई करना है। नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड किया और नीचे वाले में ऊपर वाले को हमने सबट्रैक्ट किया है, तो 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k। तो आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ cos a माइनस b एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ cosine ऑफ a प्लस b। cosine ऑफ a माइनस b इज गिवन बाय cos a cos b प्लस sin ऑफ sin a sin b, एंड cosine ऑफ a प्लस b इज गिवन बाय cos a cos b प्लस sin a सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आप लिख सकते हो यहां पे कोसाइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कोसाइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू वन प्लस के अपॉन वन माइनस के। इफ यू कैन रिमेम्बर डायरेक्टली देन आप इसको बहुत सारी क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर आप याद रख सकते हो। तो यहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे कि गिवन दैट 10 ए into 10b equals to 3, then we have to find out cosine of a minus b upon cosine of a plus b। तो ये आपको find out करना है। तो अगर आप इसको ये हमें find out करना, तो अगर हम 10a 10b के product को 3 को k consider करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cosine of a minus b upon cosine of a plus b is equals to 1 plus k upon 1 minus k and equals to 1 plus 3 upon 1 minus k। Similarly, if we have to given that cosine of a minus b upon cosine of a plus b equals to 1 by 2, देन आपको फाइंड आउट करना है 10 है 10 बी का प्रोडक्ट। तो आप अगर इसको कंसीडर करते हो यहां पे, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के से हम कंपेयर करते हैं यहां पे, और सिंपली आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 प्लस 2 के बराबर 1 माइनस के एंड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3 के इक्वल टू 1 सॉरी 3k इक्वल्स टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 10a इनटू 10b। सो आई होप कि जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक्स यहां पे फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक्स हमने जो भी स्टडी किए तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, एंड फर्दर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।